फ्रेंड्स, बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक, खैर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है कि गिटार के साथ ना सर हमारी ना आवाज नहीं मैच होती, कि हम आवाज कैसे मैच करें परफेक्टली। तो इसके अंदर ना दो तीन चीजें हैं, प्लीज आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी जब भी आपके समझ में आएगी। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को देखना, नहीं तो स्किप कर सकते हो, अभी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब की। ठीक है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना मोर वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट पे वीडियो लेके आता रहता हूँ। मेंशन नहीं करता कमेंट, लेकिन कमेंट के ऊपर ही आपकी वीडियो आती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि हमारी तीन चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होती है, गिटार के साथ आवाज मैच करना। गिटार की एक टोन अलग है, ठीक है, गिटार का एक अपना साउंड है, जैसे कि इसका एक अपना साउंड है और एक हमारा अपना साउंड है। तीसरी चीज, पहली तो हो गई गिटार का साउंड, दूसरी चीज हो गई हमारा अपना साउंड, तीसरी चीज हो गई हमारी सिंगिंग, मतलब कि गाना, मतलब कि किस स्केल पे वो गाना, वो हो गई हमारी तीसरी चीज। पहली चीज जो हमारा गिटार का साउंड है, ये कैसा है, पे हमारी कैसी वॉइस निकलेगी। अब हम नेचुरली, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं अब आपको बता रहा हूं तो मेरी नेचुरल वॉइस है, क्या अब मुझे गाना गाऊंगा तो मुझे क्या आवाज चेंज करनी पड़ेगी ना। अपने क्या होता है, सब ये बोलते हैं ना कि भाई अपने स्केल से गाओ, क्यों बोलते हैं, क्यों मतलब कि अपनी आवाज में गाओ। अब आप करोगे, अब मैं ऐसे करूं, और भाई क्या हाल है, और भाई ठीक है भाई, तो ये किसी और स्केल में चला गया और अच्छा भी नहीं लग रहा। तो कोशिश करो कि अपनी आवाज में गाने की, ठीक है, ज्यादा तेज चिल्लाओगे तो रेड़ बढ़ जाएगी गाने की। तो भाई सवाल उठता है कि हम आवाज कैसे मैच करें, इसके ऊपर आप मेरी वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, हाउ टू मैच वॉइस विद गिटार कोर्ड्स एवरी स्केल। मैंने हर चीज पे लेसन बना रखा है स्केल से रिलेटेड, ठीक है, कि हम अपने गले को गिटार के साथ कैसे मैच करते हैं। मैं आपको चलो बता देता हूँ, वीडियो स्टार्ट करी है तो, क्योंकि वीडियो ही उसके ऊपर है। पहली बात कि अपने गिटार के साउंड को समझो। अब हम गिटार के साउंड को कैसे समझे, भाई सीधा सा है, जिस भी स्केल पे आपका गाना है, सपोज करिए हमारा जी स्केल पे गाना है, तो जी स्केल के भाई सारे गामा की प्रैक्टिस करो। वो कैसे करनी है मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी हमारा गाना जी पे है, चलो सी पे लेते हैं, ठीक है, सी पे लेते हैं, सी पे इजी होता है थोड़ा, सी पे है। अब सी पे सारे गामा की प्रैक्टिस करो कि आपकी वॉइस अच्छे से मैच हो रही है। पहली चीज, अपनी वॉइस को इसके साथ मैच कराओ, ठीक है, इसके साथ मैच कराओ अपनी वॉइस को, जैसे कि यहां पे साउंड है, इसको समझो कैसे साउंड है, नीचे है, ऊपर है, मिड में है, मिड का मतलब बीच में है, करना हमें, ऑफ कोर्स हमारा रे आएगा, सारे गामा पादानी सा होता है, हमारे आठ सुर होते, सॉरी सात सुर होते हैं, रिपीटेड होता है हमारा एट्थ, जैसे कि सेकंड सुर हो गया हमारा रे, वॉइस को देखना है कि ऊपर जाऊंगा तो कहां पे मैच होएगी, नीचे जाऊंगा तो कहां पे मैं गलती कर रहा हूं, बीच में जाऊंगा तो कहां गलती कर रहा हूं, अपनी वॉइस को ऐसे मिलाइए, है ना। गर्दन को उठाइए एकदम, ऐसे मत करिए, ठीक है, ऐसे वॉइस नहीं निकलती, एकदम गर्दन को उठा के थोड़ा ऊंची करके और अपना थोड़ा सा मुंह खोल के और उसमें बोलिए, खुल के गाइए ना यार, गले गले से गाइए, नाक से नहीं गाना, ठीक है ना, गले से गाना कैसे, सबसे हाई वाला मारा सा, जितनी
इतनी पावर है लगाओ, अब ये भी नहीं कि बहुत तेज चिल्ला के गा रहे हो, ऐसे भी नहीं, बस वॉइस मैच होनी चाहिए आपके आठवें सुर से। समझो ठीक है, अपनी वॉइस को इसके साथ मिलाओ, जिस भी स्केल पे उस स्केल पे ना पहले प्रैक्टिस कर लो भाई, सीरियसली बता रहा हूँ, सीरियसली, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, अगर आपने प्रॉपर तरीके से स्ट्रमिंग कह रहा हूँ, सुर की प्रैक्टिस कर ली तो ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला भाई। अपने सुर की प्रैक्टिस करो, सारे गामा पा दा नी सा, और ना कोई भी आपका गाना हाई स्केल पे है तो भाई उसको हाई स्केल पे मत गाओ, ठीक है ना, अपनी जो नेचुरल टोन है उस पे गाओ। अगर उसमें सपोज जी कोड लग रहा है, उसमें अगर जी कोड लग रहा है आपका, तो आपको हाई हो रहा है वो गाने में, जैसे कि मेरा जी हाई हो रहा है, मेरा हाई हो रहा है भाई, मैं अब लो कैसे करूं, अपने स्केल कैसे फाइंड करूं, सिंपल सा इसको एक लो कर दो, हाई हो रहा है, थोड़ा सा और लो कर दो, मेरा स्केल मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एफ से गा लो, जो जी पे था वो हमारा एफ हो गया। अब सारे कोड भी चेंज हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, अब सारे कोड भी चेंज हो जाएंगे, जहां पे जी था, जी के बाद सपोज हमारा, जी के बाद हमारा सी लगता है, जो फैमिली कोड होते हैं जी के बाद हमारा सी लगता है, तो एफ के बाद क्या लगेगा, F के बाद हमारा F शार्प, A शार्प लगेगा, A शार्प मेजर, ठीक है, F के बाद हमारा A शार्प लगेगा, ये आपको फैमिली पता होनी चाहिए मेजर की भी और माइनर की भी, आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सारे का अपने स्केल पे प्रैक्टिस कीजिए, F स्केल पे प्रैक्टिस कीजिए, शेप्स ऑफ स्केल आपको वीडियो देखनी पड़ेगी मेरी, किसी और की देखनी है किसी और की देख सकते हो, मेरी देखनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो शेप्स ऑफ स्केल, वहां पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, ये चीजें तो हो गई हमारी, थर्ड चीज हमारी क्या आती है कि हमें क्या करना है, जैसे भी हमारा कोई भी सॉन्ग है, अगर आपको उसी स्केल से गाना है, ठीक है, आपको उसी स्केल से गाना है, तो उसके ना कोड लिख लीजिए, पहले अपने कोड, उसके खाली कोड अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और उस कोड पे अपनी प्रैक्टिस कीजिए पहले। प्रैक्टिस कैसे, सपोज जैसे हमारा कोई भी सॉन्ग में हमारे चार कोड लग रहे हैं, सपोज सी मेजर, ए माइनर, F मेजर, G मेजर, ये हमारे चार कोड लग रहे हैं, C, A माइनर, F, G, ठीक है, ये चार कोड लग रहे हैं, तो हमें इस पे प्रैक्टिस करनी है। C पे वॉइस मैच करिए पहले, अपनी C कोड पे अपना देखिए ठहराव लाइए, इसमें प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको C की एक्चुअल साउंड मिल जाए, कि अगर ये किसी और भी गाने में लग रहा होगा ना, तो आपको पता चल जाएगी यहाँ पे C की साउंड तो ऐसी है, तो मैं इसको ऐसे ही गाऊंगा। अब ये नहीं होगा कि नीचे गा दी मैंने, ये नहीं होगा कि ऊपर गा दिया मैंने, नहीं, अब एक्चुअल साउंड है जो इसकी, उसी पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, वॉइस मिलाइए और भूल जाइए दुनियादारी को, 5 मिनट इस पे दीजिए अपने एक ही कोड पे, ताकि आपको आने वाले टाइम में फिर दिक्कत ना हो कि मैं सी पे कैसी वॉइस निकल रही थी, इसको एब्जॉर्ब करिए। अब इस पे गाना कैसे गाएंगे, सपोज हमारा सी पे कौन सा गाना है, सी पे हमारा वाला गाना है चन्ना मेरे या, और भी है मेरी माँ, जैसे कि वाला था मैं कभी बतलाता नहीं, और एक वाला भी हमारा गाना, चलो छोड़िए, इस पे बहुत सारे गाने आ जाएंगे हमारे सी पे, जैसे कि हमारा वाला सॉन्ग है चन्ना मेरे एक्चुअली वॉइस मैच हो रही है इस कोड से। कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने इस पे प्रैक्टिस कर रखी है सी कोड पे, मुझे पता है सी की साउंड कैसी है, तो इस पे भी अपना वर्क कीजिए, आप अपने कोड लिख लीजिए, जिस भी सॉन्ग को आप परफॉर्म करना चाहते हो उसके कोड लिख लीजिए पहले अपनी नोटबुक पे, कोड लिखने के बाद ना उस पे प्रैक्टिस कीजिए कि मुझे सी पे वॉइस मैच करनी है। अब
अब उसके बाद हमारा ए माइनर लग रहा है, इसी गाने में चलना मेरे में। तो ए माइनर पर प्रैक्टिस कीजिए पहले अपने कोड की। अब कोड की प्रैक्टिस, इसी पे 5 मिनट रुकिए अपने। इसको समझो कि ये अगर मैं ऐसे करूंगा तो इसकी अपनी साउंड, इसकी साउंड को ना अपने माइंड में बिठाओ, कहीं ना कहीं फिट कर दो इसकी साउंड को, कि मुझे ए माइनर अगर मुझे प्ले करना है तो उसकी कैसे ही मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ेगी अपने ए माइनर इस पे। जैसे कि इसके बाद हमारा एफ कोड लग रहा है, तो एफ पे प्रैक्टिस कीजिए। फिर जी पे करिए, मजा जब ही आया भाई गाने में। सीरियसली बता रहा हूँ, मजा जब ही आएगा गाने में। एक तो अपने गले, अपने एक तो नेचुरल स्केल से गाओ, ठीक है। सबसे पहले अपने नेचुरल स्केल से गाओ। नेचुरल स्केल कैसे फाइंड करें, कोई भी हमारा ओरिजिनल स्केल पे गाना है तो उसका लो कर दो, अपना नेचुरल स्केल मिल जाएगा। अब हमारा एफ पे है, हमारा सी पे है, तो सी पे सारे गामा की प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, अपने सारे गामा की प्रैक्टिस करो। जैसे सारे गामा पा धा नी सा सानी दा पा मा गा रे सा। अब इसकी फैमिली में कौन कौन से कोड लगते हैं, सी की, सी हो गया, ए माइनर हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। अब इसकी फैमिली पे ये कोड लगता है। अब चलना मेरा में, मेरे यहाँ पे भी ओरिजिनल तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने स्केल से गाया था, तो मेरा इस पे मैच हो रहा है, मेरा इस पे मैच हो रहा है। अब मैं करूंगा, अब मेरा बिल्कुल परफेक्टली मेरा सॉन्ग मैच होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने सारे गामों पे प्रैक्टिस कीजिए, वो कीजिए कह रहा हूँ, मैंने अपने सारे गामों पे प्रैक्टिस करी है, एंड मैंने अपने कोड पे भी प्रैक्टिस कीजिए करी है, ठीक है। मैंने अपने कोड पे भी प्रैक्टिस करी है, जैसे कि हो गया मैंने, मुझे पता है खुल के गई है भाई, नाक से गाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं करूंगा, ये होता हमारा नाक से, गले से गाओगे, गले से गाओगे तो भाई कितना भी ऊंचा सुर लगा सकते हो आप। अगर नाक से गाओगे तो ज्यादा लंबा सुर नहीं लग पाएगा, ज्यादा ऊंचा, नोट लंबा इज ऊंचा। अपनी मेलेडी भी ऐड कीजिए, मेलेडी का मतलब अपने इमोशनल, इमोशन ऐड कीजिए, ठीक है। मतलब कि अपनी इस कोड में हम इमोशनली कैसे गा सकते हैं, अपने इमोशनली कैसे गा सकते हैं, ठीक है। ये तो चलो बाद की चीज है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इमोशनली कोई भी हमारा सैड सॉन्ग है, कोई भी हमारा सैड सॉन्ग हमारा सी पे है, तो उसमें तो हम खुश होके नहीं गाएंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा ना अपनी मेलेडी भी ऐड कीजिए, इसमें थोड़ा सा रोमांटिक टाइप जो होता है, जो मगन होके गाते हैं, वो चीज अपने कोड के अंदर ऐड कीजिए। ए माइनर में भी एफ, नोट आ सी मेजर, नोट आ हमारा ए माइनर, एवरी कोड ए माइनर हो गया, ए हो गया, जी हो गया, जी साफ हो गया, माइनर हो गया, मेजर हो गया, एवरी कोड, ठीक है। सबको समझो, सबके सारे गामा प्रैक्टिस कीजिए। सारे गामा क्यों होते हैं, वेल्ले में नहीं है सारे गामा भाई, ये इनका भी बहुत बड़ा रोल है हर चीज के अंदर, हर बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अपने सारे गामा पे क्यों वॉइस मैच करवाते हैं, इसलिए करवाते हैं ताकि हमारे कोड के साथ वॉइस मिल जाए। और बाकी आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू मैच वॉइस विद गिटार कोड, एवरी स्केल,
कोड पे प्रैक्टिस कीजिए, सारे गामा पे कैसे प्रैक्टिस करनी है सारा आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मेरे चैनल की वीडियो देखना चाहते हो तो देख सकते हो, किसी और की देखनी है तो यू कैन गो एब्सोल्युटली एज यू विश। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना मोर वीडियोस के लिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस आज की वीडियो में इतना ही था, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स नीचे है, कमेंट बॉक्स कह रहा हूँ, कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, क्योंकि मैं कमेंट के बेस पे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ, मेंशन नहीं करता लेकिन वीडियो आपके कमेंट पे ही आती है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।